हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ममता और आपका स्वागत है ममताज बुटीक में। आज के वीडियो में हम पंचकोणी गला बनाएंगे जो कि बिना बुकरम से बनाएंगे। हम इसमें बुकरम नहीं लगाएंगे और बिना बुकरम का भी ये गला बहुत ही अच्छे से सुंदर सा गला बैठ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमने कट कर लिया है ब्लाउज का और इसमें हमने लाइनिंग भी अटैच कर लिया है और इसमें हम गला बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने कपड़ा पूरा कट कर लिया है, बस इसमें हमने ये नेक की कटिंग नहीं की है। तो उसके लिए हम ये लाइनिंग का कपड़ा, ये छोटा था तो हमने इसमें जोड़ के इसको थोड़ा सा बड़ा बना लिया है, लंबा बना लिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेक की चौड़ाई लेंगे। नेक हमारा ये 2.5 इंच पे लगाएंगे। डीप हमारा ये 10.5 पे लगाएंगे। यहाँ भी 2.5 इंच पे बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बना लिया। यहाँ पे 1/4 इंच का हम ब्रॉड करेंगे। तो यहाँ पे ये 1/4 इंच लेके यहाँ से हम ऊपर से बराबर ही लेंगे और इस लाइन से हम ऐसे तिरछा मिला लेंगे। इससे हमारा नीचे थोड़ा सा गला ब्रॉड हो जाएगा तो उसका शेप बहुत अच्छा आता है। ये ब्रॉड हो गया। अब हम इसमें इस तरह से ये निशान लगा लेंगे। ये हमारा पंचकोणी का ये निशान लग गया। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। ये कट हो गया। अब हम इसको 1.5 इंच का ऐसे मार्जिंग रख के बाकी का कटिंग कर देंगे। ये इस तरह से ये हमारा, ये देखिए, ऐसे पंचकोणी गला ये कट के तैयार हो गया बिना बुकरम का। तो अब हम इसको सबसे पहले ये साइड से सिलाई लगा लेंगे। ये इस तरह से हमारा गला ये तैयार हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, इस कपड़े में हम 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे ताकि इससे हमारा गले की चौड़ाई निकल जाए। तो ये हमने यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा लिया और इस साइड भी हम ये 2.5 इंच का निशान लगा लेंगे। और ये तो बराबर फोल्ड है ही, तो इसमें हम ये सेंटर का भी निशान लगा लेंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसको ऐसे इस तरह से हम बिछा लेंगे, ये इस तरह से। और इसको इसके ऊपर ऐसे रख के इसको हम पिन लगा लेंगे। पिन लगा के यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे।
ये सिलाई लग गई, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हम कोने कोने में भी कट लगा लेंगे ताकि पट्टी हमारा आसानी से मुड़ जाए। पंचकोणी गला कितना सुंदर, कितना फिनिशिंग के साथ बन के तैयार हो गया बिना बुकरम का। अब हम इसमें क्या करेंगे, लेस लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने दो लेयर इसमें लेस लगा दिया और ये कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे टक्स दे देंगे। और नीचे हम पट्टी दूसरे कपड़े का, लाइनिंग के कपड़े का पट्टी जोड़ के अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। और अब हम इसमें ये देखिए, हमने ये डोरी बना के रखा है इस कपड़े का, ये डोरी यहाँ पे हम अटैच कर लेंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बिना बुकरम का गला कितने अच्छे से बनके तैयार हो गया और कितना अच्छा लग रहा है ये डिजाइनर भी। और इसमें ये हम एक छोटा सा एक बटन यहाँ पे लगा लेंगे, ये गोल्डन कलर का, इससे ये बहुत ही सुंदर लगेगा और स्टाइलिश बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट पढ़ के हमें बहुत अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।